हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम अपना एक प्यारा सा मेकअप लुक शेयर करने जा रहे हैं, जो ये HD मेकअप है। ये प्रोफेशनली और आप पर्सनली दोनों तरीके से कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने फेस को क्लीन किया है और उसके बाद मैं अपने फेस पर एलोवेरा जेल अप्लाई कर रही हूँ। ये एक फेस पर प्राइमर का काम करता है हमारे फेस पर। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बायोटेक मॉइस्चराइजर मॉर्निंग नेक्टर। इसको बहुत ही अच्छा, मेरी स्किन के अकॉर्डिंग है ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। नेक्स्ट आज मैं आई मेकअप पहले करूँगी, तो मैंने यहाँ पे स्टे क्वर्की का जेल आईलाइनर लिया है और अपनी आईब्रोज को सेट किया है कुछ इस तरीके से। आज मुझको थोड़ी सी डार्क आईब्रोज चाहिए थी, इसीलिए मैंने दोनों ही आईब्रोज को मैं सेट कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है क्रायलॉन सुप्रा पैलेट से FS28 शेड नंबर, और मैंने अपनी जो आईब्रोज डिफाइन करी थी उसको एक शार्प लुक देने के लिए, यहाँ पर आईज को हाईलाइट करने के लिए अपनी स्किन टोन से एक दो शेड ऊपर का ही शेड लिया है, लाइट शेड लिया है इट मीन्स, और अपने आईज एरिया पर अच्छे से उसका एक बेस बनाया है ताकि मैं जो भी आई मेकअप करूँ वहाँ पर विजिबल हो और पॉप आउट होकर के आए। नेक्स्ट जो है, हमें आई मेकअप के लिए तीन ब्रशेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नंबर एक होता है जो स्मजिंग ब्रश, जो छोटा सा ब्रश होता है। इसे देखिए, मैंने यहाँ पर हाइलाइटर और आई इनर आईज में जो कॉर्नर पे हम यहाँ पर हाइलाइटर लगाते हैं वहाँ पर लगाने के लिए। अब यहाँ पे मैंने मार्स की पैलेट ली हुई है। मार्स की पैलेट बहुत ही अच्छी और अफोर्डेबल है, या आपको कहीं पर भी ईजिली मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगी और ऑनलाइन भी मिल जाएगी। इसका पिगमेंटेशन भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही कम रेट में हमको ये उपलब्ध है। सेकेंडली, अब हम यहाँ पर, मैंने इस पैलेट से डार्क कलर लिया था। आज मैं पिंक फैमिली और येलो फैमिली से रिलेटेड ही अपने आईज़ का मेकअप कर रही हूँ। फिर देखिए, मैंने इसको क्रीज लाइनर लाइन पर किस तरीके से डिफाइन किया है। थोड़ा सा पर्पल और पिंक कलर को मिला करके मैंने अपनी आईज़ का मेकअप किया और दोनों आईज़ का साथ में ही मेकअप किया है ताकि मेरा मेकअप जो है इक्वल लगे। यहाँ पर नेक्स्ट मैंने उसी बेस को जो मैंने क्रायलॉन का सुप्रा यूज़ किया था पूरे फेस के लिए यूज़ भी करूँगी, उस बेस को मैंने यहाँ पर आईज़ पर फ्लैट ब्रश की हेल्प से देखे इस तरीके से क्रीज लाइन को डिफाइन करते हुए लगाया हुआ है, और ये हाफ कट क्रीज मेकअप इसको बोलते हैं। दोनों आईज को इक्वल ही करना होता है गाइस, तो बहुत ही संभाल कर करिएगा। ऐसी कोई बहुत टिपिकल चीज़ नहीं है कि आप ना कर सकते हैं, एक दो बार करने पर आपकी प्रैक्टिस आ जाएगी। यहाँ पर इसके बाद मैंने देखिए सारे ही डार्क से लाइट शेड उठाना स्टार्ट किया है। सबसे पहले मैंने पिंक, फिर ऑरेंजेस, फिर यहाँ पर लाइट लेमन येलो तक कलर में गई हूँ। ये देखिए, दोनों ही आईज का मैं एक साथ ही मेकअप कर रही हूँ ताकि कोई भी कलर मिसमैच ना हो जाए। नेक्स्ट, जो भी फॉल आउट हुआ था मैंने उसको वाइप आउट कर दिया है वेट वाइप्स की हेल्प से। अब यहाँ पर मैंने मेकअप स्टूडियो की पैलेट ली है और अपने कंसीलिंग करना स्टार्ट किया है। जो भी मेरे मेंस जो भी डार्क सर्कल्स हैं, माउथ एरिया में जो डार्क पैच हैं, उन सबको कवर किया है। कोई ज़्यादा पिगमेंटेशन मेरे फेस पर नहीं है, इसलिए मैंने लाइट कलर के ही कंसीलर से इसको ब्लेंड किया हुआ है और हाइड किया है। तो यहाँ पर मैंने आज HD फाउंडेशन एलिगन का यूज़ कर रही हूँ गाइस। ये मेरी स्किन टाइप का है, मेरी स्किन ड्राई है, तो मैंने ड्राई के अकॉर्डिंग ही अपना फाउंडेशन लिया हुआ है जो ड्राई स्किन वालों के लिए आता है। इसमें दो कैटेगरी आता है, फॉर ऑयली स्किन एंड फॉर ड्राई स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी ड्राई स्किन वाला ही फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ्लॉलेस फिनिश देता है, उसका स्टे भी बहुत ही अच्छा है गाइस। मैंने इससे कई सारे ब्राइडल मेकअप भी करे हैं और आप इसको ब्राइडल मेकअप में यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, मैंने ये एलिगल का लाइट जो हाइलाइटिंग करने के लिए होता है फाउंडेशन, उसको यूज़ किया है। ये देखिए, इस तरीके से जो भी मेरे हाइलाइटिंग पार्ट्स हैं फेस के, मैंने उस जगह पर हाइलाइटिंग करी हुई है। इससे क्या होता है, अगर आप नीचे डार्क फाउंडेशन लगा लेते अपने स्किन टोन का और लाइट कलर के ही कंसीलर से या फिर
फाउंडेशन से आप अपने हाइलाइटिंग एरियाज को हाईलाइट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा जो होता है ना कॉन्टोर करने के लिए क्रीम प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो एक कॉन्टोर का एक शेप अपने आप क्रिएट हो जाता है। इसे आप एक्स्ट्रा लेयरिंग से ही बच सकती हैं, और पाउडर कॉन्टोर और हाईलाइटिंग से आपका बहुत ही अच्छा फेस कॉन्टोर हो जाता है। ये देखिए मैंने पाउडर कॉन्टोर की हेल्प से ही पूरे फेस को शेप दिया है। अब यहाँ मैं SFR का ब्लशर यूज कर रही हूँ गाइस, ये देखिए इस तरीके से। इसका पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छा था और मुझे थोड़ा सा डार्क कलर में ही ब्लशर चाहिए था। आप चाहें तो आई शेडो से भी ब्लशर का यूज़ कर सकते हैं। एक ही पैलेट को आप कई बार यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप ऐसी पैलेट ले सकते हैं जिसमें हाइलाइटर भी हो, आई शेडो भी हो, ब्लशर भी हो, ब्रॉन्जर भी हो। इस टाइप की बहुत सारी पैलेट से आती हैं मार्केट में। मैंने यहाँ पर आई लुक कम्प्लीट किया है। अब यहाँ पर देखिए कि मैंने यहाँ पर मेबलिन का जेल लाइनर लिया है और आई लाइनर ब्रश की हेल्प से मैंने इस लाइनर को कम्प्लीट किया है। बहुत ज़्यादा मैंने विंग लाइनर यहाँ पर नहीं क्रिएट किया, नॉर्मल सा लाइनर लगाया, बस हल्का सा थिक लगाया है जो एक अच्छा सा लुक मेरी आईज को क्रिएट करे। और इसी जेल लाइनर को अच्छा स्टे देने के लिए मैंने काजल के तरह भी यूज़ किया है। नेक्स्ट यहाँ पर मेरे आईलैशेस लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ग्लू लगाया और उसको 5-10 सेकंड के लिए होल्ड किया और अपनी आईज पर सेटल किया। देखिए आईलैशेस से लुक बहुत ही अच्छा आ जाता है गाइस, और ये कितना प्यारा लुक आया है आईलैशेस से। अब बारी है लिप्स की, तो आज मैं थोड़ा सा अपने लिप्स को पाउटी लुक देना चाहती हूँ, थोड़ा सा प्लम्पी, क्योंकि मेरे लिप्स जो हैं ऊपर का पार्ट जो है बहुत ही थिन है, तो मैं उसको एक लेयरिंग दे रही हूँ इस तरीके से, थोड़ा सा ब्रॉड कर रही हूँ ताकि लुक अच्छा लगे। इसके लिए मैंने यूज़ करी है मास्क की ही पेंसिल है, और एक डार्क कलर मैंने यूज़ किया है कुछ इस तरीके से, देखिए। नेक्स्ट मैंने इसमें एक लिप शेड फिल किया है जो मेरे फेस से मेकअप से मैचिंग हो। ये देखिए गाइस आपको ये लिप शेड कैसा लग रहा है और लिप का शेप भी कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा। लास्ट मैंने यहाँ पर रेवोल्यूशन का हाइलाइटर यूज़ किया है, कुछ देखिए इस तरीके का गाइस मेकअप आया है निकल कर, और ये बहुत ही सेटल और बहुत ही सुंदर मेकअप लग रहा था, और इसका स्टे भी बहुत देर तक करता है गाइस। यहाँ पर मैंने जूड़ा बनाया हुआ है, आप चाहें तो इसके साथ ओपन हेयर का लुक भी रख सकते हो, जो कि मैंने किया है, अगर आपको आगे देखने को मिलेगा। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी गाइस, अगर आपको ये लुक अच्छा लग रहा है और मेरे चैनल पे मेरा वर्क अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।